आगरा के सेमरा गांव से एक लोडर मैक्स में लगभग 3 दर्जन महिला पुरुष बच्चे 40वें में शामिल होने हाथरस गए। वापसी के समय रोडवेज की बस ने लोडर टेम्पो मैक्स में टक्कर मार दी, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। सेमरा गांव में एक ही परिवार के 12 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। इस हादसे ने 15 लोग घायल हुए हैं, जिनका अलीगढ़ और आगरा में इलाज चल रहा है। और जो यहाँ दुर्घटना हुई, मैं वहाँ पे मौके पे भी गया तो वहाँ हमने लगाया, इसमें एक ही परिवार के 17 लोग खत्म हो गए। किस कार्यक्रम से किस वाहन से गए थे पूरी जानकारी? ये सर, ये मैजिक टेम्पो में 28-30 आदमी थे, और ये इनकी लड़की की एक ससुराल में दी है, सास खत्म हो गई थी, तो वहाँ पुआ खाने गए थे सासनी के पास मुकंदपुर गांव में। तो ये पुआ खा के वहाँ से लौट रहे थे, तो ये क्या नाम है चंपा के पास नगला भुसे, उसके बाद बाईपास में इनका एक्सीडेंट हुआ है। मेरे निधन हुआ, इसमें 2 भाई मेरे और 1 बेटा। कितने लोग घायल अभी? अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, मेरे घर से ही 13 लोग, 13 में से एक मेरे अब्बू आ चुके हैं घर पे। अच्छा, कहाँ इलाज चल रहा है? SN मेडिकल, SN जो हॉस्पिटल है इमरजेंसी। अच्छा, तो क्या पूरा उस पे पैसे मांगे? ये कह दिए कि काउंटर पे रख दो, मैं किसी विधायक की नहीं मान रहा हूँ। अच्छा, किसने मांगे पैसे, कितने रुपए? यूँ कह रहे सिटी स्कैन करने के 1800 रुपये चाहिए। अच्छा, तब करके हमारे गांव की और हमारे पड़ोस की बिल्कुल दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक घटना है हमारे क्षेत्र के लिए। बेचारे 17 लोग काल के जाल में चले गए। वो अपनी बेटी के यहाँ से एक 40वां, जिसे हम लोग 13 भी बोलते हैं, उसमें से वापस आ रहे थे, तो वहाँ हाथरस बाईपास पर इनका एक रोडवेज बस द्वारा एक्सीडेंट हो गया, उसमें बेचारे 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 17 के अलावा सुबह मेरे पास फोन आया था, वहाँ पर एक हमारे गांव का ही हमारा पड़ोसी जो लड़का था वहाँ पे, तो उसका फोन आया था कि कोई 1800 रुपये मांग रहा है। तो मैंने कहा कोई पैसे तो नहीं मांग रहा, बोला कि किसी से फोन करा दो। अब मेरे फोन वोन नहीं है, तो मैंने खुद अपने मोबाइल से मैंने 2000 रुपये एक मेडिकल शॉप वाले के खाते में डाले। मैंने कहा तू जल्दी से जो कुछ भी करना है उसे करा के चला जी। ये मुझे अव्यवस्था बताइए जो मैं आपको बता रहा हूँ।